नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल JSSC मेकर में। और आज लेकर आए हैं नया चैप्टर घातांक एवं करनी, शर्ट्स एंड इंडिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये नोटिस जाएगा। तो चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल, और ये है 5 का पावर 4 गुना 5 का पावर 8 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इस सवाल कैसे बनेगा, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो इसमें क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। इसका बेस दोनों का समान है तो पावर आपस में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, यह आ जाएगा डी ऑप्शन। ये फॉर्मूला पर होता है AM × AN, इसके बराबर होता है AM + N। जब आधार समान हो और पावर अलग अलग, तो क्या होता है, आधार लिख लेते हैं और पावर को आपस में जोड़ देते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार से बनेगा, दोनों का आधार समान है और ये इधर भाग है, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें 4 जुटेगा, ये हो जाएगा 7 और 4 11, और यहाँ पर हो जाएगा 8। और पावर को हम लोग बेस का अपेक्षा छोटा लिखते हैं, इसलिए इसको छोटा लिखे हैं और इसको बड़ा। अब ये जब दोनों का बेस समान हो और पावर अलग अलग और उसके बीच भाग हो, तो आपस में हम लोग इसको घटा देते हैं पावर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 में 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 3। अब ये 3 बार इसको गुना करेंगे हो जाएगा 125, आ जाएगा डी। जब भाग हो तो जिसका पावर है उसको आपस में घटा देते हैं। 3 नंबर देखते हैं, √729 को सरलतम रूप में लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यहाँ पर 5 होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे 729, ये कितना से जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 × 2 = 6 1 + 3 = 12 3 × 3 = 9, फिर जाएगा 3 से 3 × 8 = 24 3 × 3, फिर जाएगा 3 × 6 = 2 21 + 3 = 21, फिर जाएगा 3 से 3 × 9 = 27, फिर जाएगा ये 3 से 3 × 3 = 9, 3 4 5 6 6 बार गया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 5 है, 6 बार इसको लिखेंगे, छह बार हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 यहाँ पर 5 है इसलिए 3 का पावर यहाँ पर 5 देंगे, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है और एक फुट्टा बच गया, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग बाहर ले आएंगे,
ऐसे होगा, बाहर आ गया। और ये जो यहाँ पर ही है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये मेरा ऑप्शन आ गया ए। अब देखते हैं चार नंबर, इसमें माइनस एक बटा दो है, ये किसके बराबर होगा। तो इसको हल हम लोग कैसे करेंगे, जब माइनस हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लस करने के लिए बदल जाएगा, मतलब अंश हर में, हर अंश में, या नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसमें हम लोग बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा एक बटा दो, मतलब ये माइनस है। माइनस को हम लोग खत्म करने के लिए क्या किए, इसको बदल दिए, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे, एक रहता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, ये ऑलरेडी रहता ही है एक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया रूट, ऐसे आ जाएगा रूट। ये रूट आ गया, मतलब एक बटा दो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ये रूट का मतलब एक बटा दो होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है डी में। साधारण इसमें हम लोग क्या किए, ये माइनस को खत्म करने के लिए इसको पलट दिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ पर लिखे हैं। अब ये माइनस खत्म हो गया तो प्लस में आया, अब इसका मतलब हाफ मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर रूट लगा दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। इसमें यदि हम लोग आपस में इसको गुना कर देते हैं, ये माइनस है एक और ये माइनस दो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब दो होगा, और दो दूना चार, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक बटा दो, इसका पावर आ गया चार। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चार बार गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक बटा दो गुना माइनस एक बटा दो गुना माइनस एक बटा दो गुना माइनस एक बटा दो, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, तो एक बटा सोलह आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ए बन गया। आसान तरीका है, इस टाइप का रहेगा, घातांक में तो हम लोग ऐसे गुना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जितना आसान तरीका हो, जितना शॉर्टकट हम सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा है, इसलिए शॉर्टकट मेथड अपनाएं। ये बन गया, और ऐसे इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी, कुछ ज़्यादा सेकंड लगेगा। तो इस तरह से आज हम लोग पाँच प्रश्न देखें, इसी के साथ ही आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।